हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह। आपको पता है हमारे ये जो सारी वीडियोस चल रही थी साइकोलॉजी एंड पेडागोजी की, आज की क्लास से मैं आपके लिए पेडागोजी का सारा सिलेबस स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आपको भी पता है एग्ज़ाम आने में ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। अभी हमारा दिसंबर में केवीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, तो इसीलिए जो साइकोलॉजी का अब तक का मैं टॉपिक आपको कवर करवा चुकी हूँ, उससे जो एक्स्ट्रा में या फिर उसके बाद का जो सिलेबस रह गया है वो मैं आपको, अगर वो प्रॉपर हम थ्योरेटिकल भी नहीं पढ़ पाए तो उसके अंदर जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स वाली वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी, तो आपको वहाँ पे वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, पेडागोजी आपके लिए ज़्यादा क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज अगर आपको पता है कि पेडागोजी आपको इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एज अ टीचर आप कैसे ट्रीट करते हैं बच्चे को, वो सारी चीज़ें आपको सीखनी है। ठीक है, पेडागोजी के अंदर आपकी जो एजुकेशन से रिलेटेड जो टेक्निकल चीज़ें हैं ना, वो आएंगी सारी, जैसे कि इसमें एक थ्योरीज आ जाएंगी, आपकी पॉलिसीज आ जाएंगी, इवैल्यूएशंस आ जाएंगी कि इवैल्यूएशन बच्चे का क्यों करना चाहिए, किन किन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं, आपको एक फॉर्मेट कैसे रेडी करना है इवैल्यूएशंस का, ये सारी चीज़ें क्या आपकी पेडागोजी के अंदर आएंगी। ओके, तो इसीलिए आज जो मैं टॉपिक लेकर स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहला हमारा थ्योरीज़ पर है। आपको बताइए कि साइकोलॉजी हो या पेडागोजी, थ्योरीज़ हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें थ्रॉनडाइक, पेवलॉन, स्कीनर, कॉलबर्ग वगैरह की सारी जो हमारी थ्योरीज है, और उनके आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं कि ये वाली थ्योरी किसने दी। ठीक है, और उनसे कंडक्ट करते हुए जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे अभी, कि कैसे बनते हैं क्वेश्चंस थ्योरीज से हमारे। ठीक है, तो आज हम हमारी जो थ्योरीज वाला टॉपिक स्टार्ट है कर रही हूँ मैं, उसके अंदर हमारी फर्स्ट जो थ्योरी है वो है थ्रॉनडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी कि थ्रॉनडाइक का प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत। ठीक है, हमारे जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे ये बात सिद्ध करने के लिए कि किसी भी बच्चे को हम किस तरह से लर्निंग दी जाए। ये जो हमारी सारी थ्योरीज़ हैं वो लर्निंग ऑफ थ्योरीज़ हैं, कि किसी भी बच्चे को कैसे सिखाया जाए, क्यों सिखाया जाए, सिखाना क्यों है बच्चे को, और बच्चा कैसे सीख सकता है। तो उसके अंदर जो हमारी फर्स्ट थ्योरी है वो, जो हमारे फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हैं थ्रॉनडाइक जी, जो हमारे एक व्यवहारवादी यानी कि बिहेवियरिस्ट हैं, मैंने आपको उस साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के अंदर बताया था, जो हमारे थ्रॉनडाइक हैं वो व्यवहारवादी हैं, एक बिहेवियरिस्ट हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है कि वो आपके कौन है, एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, देन उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, उनका जो सबसे मशहूर यानी कि सबसे फेमस जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो था कैट के ऊपर। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक हंगर बिल्ली को, एक जो भूखी बिल्ली थी, उसको एक पिजन में, एक जो पज़ल टाइप बॉक्स होता है उसके अंदर कैद करके रख दिया था, जिसके अंदर एक ट्रिगर था जिसको प्रेस करने से वो उसका जो पिंजरे का दरवाज़ा था, गेट था मेन, वो ओपन हो जाता था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया था और स्टिमुलस के तौर पे उसके सामने क्या रख दिया था, खाना। अब आपको पता है अगर भूखी है बिल्ली और उसके सामने आप कुछ खाना रख दे, अगर मुझे किसी चीज़ की नीड है बहुत ज़्यादा और मेरे सामने वही चीज़ है लेकिन बीच में क्या मेरे को एक बाउंडेशंस में कैद किया गया है, तो मैं उस चीज़ को पाने के लिए क्या रहूँगी, रेडी रहूँगी, तत्पर रहूँगी कि मुझे वो चीज़ कैसे मिले, कैसे मैं उसको हासिल कर सकूँ, जो मुझे मेरे चारों तरफ बाउंडेशंस हैं मैं उनको तोड़ के कैसे बाहर जाऊँ कि वो चीज़ मुझे मिल जाए। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने एक भूखी बिल्ली को एक बॉक्स के अंदर, पिंजरे के अंदर बंद किया, लेकिन उसका एक डोर रखा था, दरवाज़ा रखा था जो एक ट्रिगर प्रेस करने पर खुल जाता था, और उसी के सामने उन्होंने क्या किया, हंगर बिल्ली के सामने खाना रख दिया, जिससे बिल्ली उस पिंजरे से बाहर आने के लिए क्या है, ट्राई करे, अपने ट्रायल्स दे। ठीक है, जिसको इन्होंने बोला ट्रायल एंड एरर, जब ट्राई करेगी, ट्रायल्स करेगी तो एरर भी आएंगे, गलतियां भी होंगी। ठीक है, तो बिल्ली ने जब अपने चारों तरफ देखा कि मैं तो पिंजरे में कैद हूँ, मैं खाना कैसे प्राप्त करूँ, मैं कैसे खाऊँ, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, तो बिल्ली ने क्या किया, इधर उधर पंजे मारना स्टार्ट किया,
झपट्टा मारना स्टार्ट किया, इधर उधर कूदना स्टार्ट किया कि कैसे ये पिंजरा खुले कि मुझे खाना मिले। ऐसे करते करते बहुत बार ट्राई करने के बाद में, बहुत बार ट्रायल करने के बाद में अचानक से क्या हुआ, बिल्ली का पंजा ट्रिगर पर लग गया और उससे क्या था, वो पिंजरे का जो गेट था वो ओपन हो गया और बिल्ली ने जाके खाना खा लिया। फर्स्ट जो उसका ट्रायल था ये था। सेकेंड टाइम भी थॉर्नडाइक ने उसको दोबारा किया, सेम कंडीशंस रखी कि हंगर बिल्ली थी और उसके सामने खाना था, ये सारी कंडीशंस रख के बिल्ली को पिंजरे में कैद कर दिया कि अब उसको वो खाना प्राप्त करना है, भूख अपनी मिटानी है, ठीक है। तो उसने दोबारा से वही सारी प्रैक्टिसेस की, वही सारे ट्रायल्स किए, फिर अचानक उसका क्या ट्रिगर पे पैर लगता है और वो जाके खाना ले लेती है। तब उस कंडीशन में बिल्ली को ये चीज़ लर्न हो गई कि मेरे इधर उधर पैर मारने पे दरवाज़ा नहीं खुलता, जब मैं ट्रिगर पे मेरा पैर लगता है तब दरवाज़ा खुलता है और देन उसके बाद मुझे खाना मिलता है। तो इससे क्या हुआ, बिल्ली ने वहाँ पे ये लर्न कर लिया कि मुझे डायरेक्ट क्या है, ट्रिगर पर पैर रखना है और दरवाज़ा खुलेगा और मुझे खाना मिल जाएगा। तो जब थॉर्नडाइक जी ने थर्ड टाइम उसके साथ सेम एक्सपेरिमेंट किया, सेम कंडीशन की, तो बिल्ली ने कोई भी ट्रायल्स नहीं लिए, कुछ नहीं लिया, उसने डायरेक्ट ट्रिगर पर पैर मारा, दरवाज़ा खुला और उसने जाके खाना ले लिया और अपनी भूख मिटा ली, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी, बिकॉज उसने बहुत सारे प्रयत्न किए थे, उसको नहीं पता था कि वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे क्या चीज़ें करनी है। तो इसीलिए जब उसने बहुत सारे ट्रायल्स किए और लास्ट में जाके क्या हुआ, उसको एरर्स भी मिले, उससे गलतियाँ भी हुई, वो इधर उधर फालतू के पंजे मार रही थी, उसे पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करूँ कि मुझसे खाना मिले, तो लास्ट में जाके उसका एक प्रिस्क्रिप्शन माइंड में आ गया। जब उसको सही चीज़ का उसने सेलेक्शन कर लिया तो उसके माइंड में एक चीज़ आ गई कि मुझे अब ट्रिगर पर पैर रखना है और देन मुझे खाना मिल जाएगा, ठीक है। ये था हमारा थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर थ्योरी, कैट के ऊपर इन्होंने किया था। इसके बाद इसके जो की पॉइंट्स हैं दो, वो इन्होंने दिया था, फर्स्ट सेलेक्शन देन कनेक्शन, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था कि आपको सेलेक्शन करना है, जो इतने सारे ट्रायल्स किए हैं आपने, इतनी सारी गलतियां की हैं आपने, उसमें से जो बेस्ट है आपको उसका चुनाव करना है, उसका सेलेक्शन करना है कि आपको किसके द्वारा खाना प्राप्त हो रहा है, ऐसी कौन सी कंडीशन आपके सामने आई जिससे आपकी वो बाउंडेशन टूट गई और आपको खाना मिल गया। देन उसका कनेक्शन, देन आपको कनेक्शन स्थापित करना है, एक संबंध स्थापित करना है कि हाँ ये चीज़ होने के बाद ही मुझे खाना मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली थ्योरीज जो अब मैंने आपको बताई है, थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये वाली रखी क्यों गई थी, बच्चों के लिए क्या यूज़फुल है, ये टीचर को क्या यूज़फुल है। सबसे पहले बच्चे को जब भी हम कोई न्यू कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, नई चीज़ें सिखाते हैं, प्लस माइनस या कुछ भी सिखाते हैं, फर्स्ट में आपने बच्चे को कॉन्सेप्ट करके दिखा दिया कि 2 × 2 = 4 हो गया, ऐसे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये रूल है मल्टीप्लाई का, ठीक है। जब आप बच्चे को होमवर्क देते हैं कि 15 × 5 करके लेके जाओ, आपने भी जब मल्टीप्लिकेशन सीखी होगी तो आपने भी एक चीज़ ध्यान दी होगी कि 2 × 2 इसमें क्या है, सिंगल नंबर का है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 2 numbers, यहाँ पे 2 digits आ गई, तो बच्चे को हर जितनी बार digits बढ़ती जाएंगी उतनी बार क्या है, उसकी problems और errors बढ़ते जाएंगे। अभी तो आपने सिंगल digits का सिखाया है बच्चे को, तो वो सिंगल डिजिट का ही मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर पाएगा, उसमें भी वो गलतियाँ करेगा एक दो बार, जब वो 2-3 बार बहुत सारे सम्स आपके द्वारा जो होमवर्क में दिए गए हैं उसने 5 sum सॉल्व करे, 10 sum करे, तब क्या है उसको लास्ट में जाके प्रॉपर कॉन्सेप्ट रट जाएगा कि हाँ सिंगल नंबर की मल्टीप्लिकेशन ऐसे होती है, डबल की ऐसे होती है, ट्रिपल की वैसे होगी, 4 की कैसे होगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, आपको कॉन्सेप्ट्स बताने पड़ेंगे। तो आपने वहाँ पर किस थ्योरी का यूज़ किया, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, क्योंकि बच्चा क्या करता है वहाँ पर
ट्राई करता रहता है, बहुत सारे सम सॉल्व करके देखता है, लास्ट में जाके उसकी जो सारी मिस्टेक्स होती हैं, गलतियां होती हैं, उसको पता चल जाता है टू के साथ इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, टू डिजिट्स में थ्री जब डिजिट्स होंगी तो ऐसे मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में जाके उसका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक है, ये चीज़ हो गई फर्स्ट तो। एंड सेकेंड ये कि एजुकेशनली जब साइकोलॉजिकल और एजुकेशनली इस थ्योरी का जो यूज़ है थ्रॉनडाइक की थ्योरीज़ का, उसके तीन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट उसमें आता है कि जो लर्निंग होती है वो एक सीक्वेंस में होती है। ओके, क्या है वो मनुष्य में हो, मतलब हम ह्यूमन बीइंग्स में हो, एनिमल्स में हो, किसी में भी हो, लर्निंग एक सीक्वेंस में होगी। थ्रॉनडाइक जी ने कहा था कि लर्निंग एक टाइम डिस्टेंस और सीक्वेंस में होगी, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको अगर जैसे बिल्ली का उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया था, उन्होंने बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, तो बिल्ली ने भी क्या किया, वन बाय वन प्रैक्टिस करके ही तो अपना जो खाना प्राप्त किया था, अपनी भूख मिटाई थी। उसको किसी ने बोला तो नहीं था ना कि आपके सामने खाना रखा है, गेट ओपन करना, ट्रिगर पे पैड दबाना और खाना ले लेना, नहीं ना, उसको तो ऐसे पता भी नहीं चलेगा। उसने खुद करके सीखा, उसने क्या था, एक सीक्वेंस में सीखा, पहले उसने गलतियां करी, फिर उस पर उसने कमांड हासिल करी, देन उसको खाना मिला। ठीक है, तो एक सीक्वेंस में है। सेकेंड इसमें बोला था कि जो लर्निंग है वो हमेशा आपकी प्रैक्टिस से ही होती है, मतलब अगर मैं कोई काम नया करना चाहती हूँ या पुराना मैंने किया है, तो जितनी बार मैं उसको यूज़ करूँगी, अप्लाई करूँगी, जितनी बार मैं उसको प्रैक्टिस में लेकर आऊँगी, उतनी ही बार वो मेरा काम और अच्छा होगा, मेरी उसमें और कमांड ज़्यादा अच्छी होगी। थ्रॉनडाइक ने बोला था कि इसमें आपका इनसाइट का कोई रोल नहीं है। इनसाइट समझते हैं ना आप लोग, इनसाइट होता है सूझ, यानी कि अचानक आप मतलब बैठे हैं अभी या मुझसे पढ़ रहे हैं, अचानक आपके माइंड में एक बल्ब जलता है साइड में, जैसे आपने कार्टून्स वगैरह में देखा होगा कि टॉम एंड जेरी शायद सभी लोग देखते होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो कैट और जो रैट है दोनों फाइट करते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं एक दूसरे को हराने के लिए, एक दूसरे की पिटाई करने के लिए सब, तो उनके माइंड में क्या है, एक समय एकदम इनसाइट थॉट्स आती हैं, यहाँ पे एक बल्ब सा जलता है, उसके अंदर आता है कि हाँ मुझे अब ये चीज़ करनी चाहिए, उसके अंदर इमेज बनी हुई आती है, कभी कुछ चीज़ की होती है, कभी किसी चीज़ की होती है कि उसको अब ये चीज़ अप्लाई करनी चाहिए, तो इनसाइट्स होती हैं आपकी, जो इनसाइट थॉट्स हैं, जो आपकी सूझ है। तो थ्रॉनडाइक जी ने कहा था कि लर्निंग के अंदर आपका इनसाइट का कोई रोल नहीं है, आपको बैठे बैठे अचानक कोई भी थॉट नहीं आती कि हाँ ये काम ऐसे होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ट्राई नहीं करोगे, तब तक आप उस काम को ठीक से नहीं सीख सकते। अगर वो बिल्ली है, मान लीजिए बिल्ली है जिसको भूखी है, जिसके लिए खाना रखा गया है कि आप पिंजरा खुद खोलो और खा लो, अब बिल्ली भी आराम से पिंजरे के अंदर बैठ जाए कि ठीक है भूख लगी है कोई बात नहीं, मैं तो आराम से बैठी हूँ, सोचती हूँ कि क्या करना है, जब तक बिल्ली इधर उधर पंजे नहीं मारेगी, कोई काम नहीं करेगी, तो थोड़ी ना उसके दिमाग में एकदम से बल्ब जलेगा कि हाँ ये गेट है सामने, इधर देखो ट्रिगर है, मैं तो इसको दबाती हूँ और खाना ले लेती हूँ। तो इसीलिए जो थ्रॉनडाइक जी थे उन्होंने बिल्कुल अवहेलना की थी कि इनसाइट जैसी चीज़ हमारे अंदर होती ही नहीं है, अगर बच्चे को आपको सिखाना है तो आपको उसको बार बार प्रैक्टिस करके, ट्राई करवा के और उसके एरर्स को रिमूव करके ही आप बच्चे को सिखा सकते हैं, उसकी लर्निंग करवा सकते हैं। उसके दिमाग में एकदम से कोई बल्ब नहीं जलेगा कि टू मल्टीप्लाई ये होती है, टू को टू से डिविजिबल ये ऐसे करना है, ठीक है एकदम से ऐसे कर लिया, बिना प्रैक्टिस बिना ट्राई उसको क्या पता, जब तक आप भी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो। ठीक है, थर्ड इसके अंदर बात बोली थी कि जो लर्निंग होती है उसके लिए कोई भी कनेक्शन या मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और बच्चे की लर्निंग के अंदर बाहर यानी कि इंटरनल और एक एक्सटर्नल, इंटरनल मोटिवेशन की जगह एक्सटर्नल मोटिवेशन होना इम्पॉर्टेंट है। थ्रॉनडाइक जी ने एक्सटर्नल मोटिवेशन पर जोर दिया था
कि बच्चे को जब तक आप एक्सटर्नल मोटिवेट नहीं करेंगे तो बच्चा सीखने के लिए रेडी ही नहीं होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बच्चे को मैं 2×2 मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ और बच्चा इसको अच्छी सीखने के बाद कोई भी और यानी कि 5×9 ये सॉल्व करके मुझे दिखा देता है, तो इस कंडीशन में मुझे बच्चे को एक्सटर्नल मोटिवेटेड देना है, एक्सटर्नल मोटिवेट करना है, एक्सटर्नल रेनफोर्समेंट देना है कि वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया, या उसको मोटिवेट करना है कि आप ये चीज़ें कर सकते हो, इस पे ज़्यादा फोकस रखो या इस तरीके से करो. अगर आप उसको रेनफोर्समेंट देंगे तो बच्चा क्या है, खुद मोटिवेट होगा कि हाँ मुझे ये कॉन्सेप्ट करने के बाद मैम के थ्रू वाह बहुत अच्छा, वेरी गुड, टॉफ़ी, ये सब चीज़ें मिली, तो मैं नेक्स्ट करूँगा तो मुझे वहाँ पे भी बहुत अच्छा मिलेगा, ये सारी चीज़ें. तो इसीलिए थ्रॉन्डाइक जी ने बोला था कि एक्सटर्नल मोटिवेशन रेनफोर्समेंट देना बहुत कंपलसरी है बच्चों के लिए. जब तक आप बच्चों को ये सारी चीज़ें नहीं दोगे तो बच्चे की जो लर्निंग है प्रॉपर नहीं हो पाएगी. ओके, इसके बाद जो हमारा ट्रायल एंड एरर, जो हमारा सिद्धांत है, जो हमारी थ्योरी है, उसके अंदर 3 लॉज रखे थे थ्रॉन्डाइक ने, वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि 4 ऑप्शंस दे देते हैं आपको, 3 ऑप्शन, 3 तो इनके लॉज हैं, एक कुछ भी एक्स्ट्रा डाल देते हैं या फिर गलत सही का पूछ लेते हैं कि कौन सा इनका लॉज नहीं है थ्रॉन्डाइक ने जो दिया है या फिर कौन सा इनका लॉज है, क्योंकि इन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लॉ है. इनके 3 लॉ इन्होंने दिए थे कि लर्निंग के 3 लॉज होते हैं, लर्निंग 3 तरीक़ों से सीखी जा सकती है और बच्चे के अंदर लर्निंग डेवलप कराई जा सकती है. ठीक है, तो वो वाली डिस्कस कर लेते हैं कि थ्रॉन्डाइक के 3 लॉज कौन से हैं.